दरअसल टेम्पर ग्लास किसको पता नहीं है, टेम्पर ग्लास तो हर एक जानता है, क्योंकि हमारे मोबाइल के स्क्रीन को जो है हम सुरक्षित रखने के लिए, उसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए और वो फूटने से उसको बचाने के लिए जो है हम टेम्पर ग्लास यूज करते हैं। तो टेम्पर ग्लास में जो है कई सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि नॉर्मल टेम्पर ग्लास हो गया और 5D कहते हैं, 6D, 11D, अब तो D+ आने लगा है नए से मार्केट में। तो काफी तरीके के जो है टेम्पर ग्लास मिलते हैं। तो टेम्पर ग्लास लगाना तो सभी को नहीं आता है दोस्तों, कुछ लोगों को आता है। मान लो कि अगर आप ऑनलाइन से कोई नया मोबाइल खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है आप उसका टेम्पर ग्लास भी खरीदोगे, ठीक है। तो ऑनलाइन से ये उसके कॉम्बो के ऑफर्स भी जो है फ्लिपकार्ट या अमेजन जहां पे भी आप लेते हो तो वहां पे जो है आपको रेकमेंड किया जाता है कि एक टेम्पर ग्लास इसके साथ, इसका मॉडल का जो है टेम्पर ग्लास भी आप साथ ले लें। इसका जो कॉस्ट है आपको 100 या 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आप पे करते हो, मंगवा लेते हो, मंगवाने के बाद क्या है दोस्तों, उसको लगाना कई लोगों को नहीं आता है। तो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लगाना तो बहुत आसान तरीका है और वही तरीके जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि टेम्पर ग्लास प्रॉपरली किस तरह से लगाते हैं फिटली। तो कई का क्या होता है, प्रॉपर से नहीं बैठता है, मिस हो जाता है, बबुल्स आ जाता है। तो इससे जो है हमें किस तरह से बचना है, किस तरह से इसको लगाया जाता है प्रॉपर तरीके से, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं टेक फैंटेसी। तो इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है हम टेम्पर ग्लास किस तरह से किसी भी मोबाइल पे लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मेरे पास है सारा किट जो कि मैं टेम्पर ग्लास लगाने के लिए यूज करता हूं। नॉर्मली अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पानी से भी जो है इसको क्लीन करके लगा सकते हैं। तो देखिए यहां मेरे पास है एक रेडमी का नोट 5 प्रो मोबाइल, जहां मैंने टेम्पर ग्लास डाला था लेकिन यहां देखिए फूट गया है। तो ये इस तरह से फूटने की वजह से जो है मेरा स्क्रीन बच गया, टेम्पर ग्लास था, टेम्पर ग्लास फूटा। अगर टेम्पर ग्लास नहीं रहता तो डायरेक्टली जो है मेरे टच पे स्क्रैच आ जाती है और फूटने की चांसेस है। तो इससे बेहतर है कि मेरा 100-200 खर्चा जाए तो मैं टेम्पर लगा लूंगा आसानी से, या तो बदल सकते हैं। अगर स्क्रीन ही फूट जाए तो खर्चा जो है हमारा हजारों में जाता है दोस्तों। तो इसीलिए टेम्पर ग्लास डालना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक टेम्पर ग्लास लेके आया हूँ मार्केट से, रेडमी नोट 5 प्रो का, जो कि आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए इस पर लिखा है 11D, तो ये 65D, 11D ऐसे भी आता है दोस्तों मॉडल्स में, यानी कि इसका जो है मॉडल में, हर एक मॉडल में जो है इसकी मजबूती थोड़ी बढ़ती है दोस्तों, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है इसकी, अच्छे से चिपक जाता है, नॉर्मल ग्लास से भी ये बेहतर है दोस्तों। तो स्क्रीन क्लीन करने के लिए जो है मैंने एक टिश्यू ले रखा है, टिश्यू क्लॉथ लिया, और ये एक IPS सोल्यूशन जैसा है, लिक्विड है, इससे जो है स्क्रीन हमारी पाक हो जाएगी। तो ये आपको 30 से 40 रुपए तक का बॉटल मिल जाएगा, जरूरत ही नहीं है दोस्तों इसे यूज करने की। अब पानी से भी जो है आपने स्क्रीन को थोड़ा लीजिए कपड़े में और क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पाउच को निकाल देना है, अगर पाउच लगा है तो मैं ओल्ड टेम्पर को जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो हल्के से निकालना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप घटे जाओ। तो देखिए, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है ब्रेक हो चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा हो ब्रेक हो गया है दोस्तों ये टेम्पर। तो ये पुराना वाला है, निकाल देते हैं। तो देखिए इस पर जो है डस्ट जमा हुआ है बहुत सारा, तो हम रफली इसको हाथ से ये डस्ट को निकाल देते, ताकि अगर पहले ही मैं क्लॉथ से पोंछूंगा तो क्लॉथ को जो है डस्ट लग जाएगा। ओके हो गया, तो अभी लाइटली इसको क्लॉथ से पोंछ लेता हूँ पहली दफा। ओके हो गया, उसके बाद इसको छिड़क लेते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं दोस्तों स्क्रीन को, ताकि कहीं पे भी जो है हमारा डस्ट ना रहे,
और ये काम करते वक्त जो है आप अपने फैन को ऑफ कर दे दोस्तों, क्योंकि अगर आप टेम्पर ग्लास डालते हैं तो क्या होता है, फैन की वजह से धूल बार बार इस पे आके लग जाती है, तो धूल लगने के चांसेस होते हैं ना, तो इसीलिए फैन ऑफ कर दे थोड़ी देर के लिए, जब तक आप टेम्पर ना लगा दे। तो देखिए स्क्रीन जो है एकदम चमकने लगी है, तो आप देख सकते हैं एकदम नीट है दोस्तों, किसी भी तरीके का डस्ट जो है इस पे नहीं है। पोछने के बाद सब कुछ क्लीन से पोछ लिया है मैंने, और उसके बाद हम टेम्पर ग्लास के पीछे के कवर को पील करेंगे और इसको इस तरह से लगा देंगे। तो आपको जो है कैमरे की तरफ देखना है दोस्तों, यहाँ कैमरा है ठीक है, और इसको प्रॉपरली बिठाना देना नहीं है, देखना है कि प्रॉपर से दोनों तरफ लगाए या नहीं है ठीक है। तो उसके बाद इसको हल्के से प्रॉपर से दोनों तरफ से बिठाने के बाद इसको छोड़ देना है। तो देखिए ये लग रहा है, लग जा रहा है दोस्तों, तो देखिए लग गया। तो यहाँ ऊपर की तरफ आप बबल्स देख सकते हैं और नीचे की तरफ भी जो है हमें बबल्स दिख रहे हैं। तो ये बबल्स जो है दोस्तों, आप इसको डाल के इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर डाल के आप इसको रब करेंगे तो ये जो है बबल्स हट जाएंगे। अगर माइनर से भी कुछ बबल्स रह जाते हैं, अगर जब आप मोबाइल चार्जिंग पे रखते हैं ना दोस्तों, तब ये बबल्स जो है उस चार्जिंग के हीटिंग के मोबाइल हीट होने की वजह से ये बबल्स जो है एक दो दिन में चले भी जाएंगे। तो टेम्पर ग्लास डालने का तो तरीका, सही तरीका यह है दोस्तों कि आप अपने स्क्रीन को पाक पोछ लें, पानी से भी चाहे जो भी आपके पास लिक्विड है, यानी कि पानी हो या फिर ऐसा IPS सॉल्यूशन कुछ है तो थिनर है तो भी बेहतर होगा, तो आप उससे स्क्रीन को पहले साफ कर ले और उसके बाद जो है आप इसको टेम्पर ग्लास को अप्लाई करेंगे तो अच्छे से पाक से लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं छोटा सा बबल है इसमें नीचे एक लाइन जैसा, तो मैं इसको थोड़ा प्रेशर देके इस तरह से रब करूंगा ना तो चला जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ से जा रहा है तो चला गया। तो देखिए बड़ा सा था बबल, यहाँ सब था और चला गया, अभी नहीं। तो यहाँ भी बबल है दोस्तों, देख सकते हैं प्रेशर डाल के आप, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा नहीं, नहीं तो स्क्रीन फूटने के चांसेस है। तो यहाँ पे भी बबल है, तो इस तरह से आप रब करेंगे तो बबल जो है चले जाएंगे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ आपको बबल दिखा, अभी जो है नहीं दिख रहा है, चला गया। तो इस तरह से जो है टेम्पर ग्लास को लगाया जाता है दोस्तों, आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ज्यादा इसमें आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, एक बार में सीख जाओगे, सीख जाने वाला काम है। तो देखिए कितना मैटिक फिनिश आया, कितना लुक दे रहा है, पता नहीं चल रहा है कि टेम्पर ग्लास डाला है। तो इसके एजेस भी देख सकते हैं प्रॉपर से बैठ गए, कहीं पे भी आपको पता नहीं चलेगा कि टेम्पर बैठा है। तो छोटे छोटे एक दो बबल्स है तो उसकी कोई चिंता मत करें, ये भी जो है अगर आप जब मोबाइल चार्ज पे रखते हैं तो मोबाइल हीट होने की वजह से जो है ये बबल्स जो है अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम टेम्पर ग्लास को अप्लाई करते हैं किसी भी मोबाइल पे ठीक है। अगर फुल स्क्रीन कर्व स्क्रीन है तो आप 5D या 11D का टेम्पर ग्लास लगाएं बेहतर है। तो इस तरह से जो है
टेम्पर ग्लास को अप्लाई करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर वीडियो को लेकर कोई डाउट या सुझाव है तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेशन में। वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।